इमरान खान ने जेल से वार्निंग वाला संदेश भेजा है। इमरान का यह मैसेज पूरे पाकिस्तान में वायरल है। इमरान खान ने कहा है कि अगर जोड़ी के वोट से सरकार बनी तो पाकिस्तान के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में और भी ज्यादा तबाही की तस्वीरें नजर आएंगी। इधर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने बड़ा खेला कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा हैरान खुद नवाज शरीफ है। क्या है ये बड़ा खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान को इमरान खान ने जिस बात से आगाह किया था वही हो गया। चुनाव नतीजों के बाद खजूर में अटके पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने बहुत बुरा फंसा दिया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ से उनके भाई ने ही बगावत कर दी है। शहबाज ने एक तरह से कह दिया है, मैं नहीं तो कोई नहीं, यानी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो पाकिस्तान में सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि जब बात हुई पीएमएलएन और पीपीपी की मिलीजुली सरकार की, नवाज और बिलावल के गठबंधन की, इसके लिए बिलावल और शहबाज की मीटिंग भी हुई, लेकिन शहबाज ने ऐन वक्त पर पलटी मार दी है। शहबाज और बिलावल भुट्टो गठबंधन वाले फाइटर जेट में सवार भी हुए, टेक ऑफ किया और उड़ान भी भरी, लेकिन आसमान में पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने बिलावल के पीछे बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि गठबंधन सरकार का असली पायलट वो बनेंगे, पैसेंजर बनकर सरकार नहीं चलाएंगे। यही फैसला सुनाते हुए शहबाज ने गठबंधन वाले फाइटर जेट से इजेक्ट करने का फैसला किया और पीछे सवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजेक्शन वाला बटन दबा दिया। बड़ी वाजह है, ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। पाकिस्तान में मामला प्रधानमंत्री के पद पर बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि जब बात गठबंधन की हुई और प्रधानमंत्री के पद को लेकर हुई तो एक फॉर्मूला आया कि 3 साल पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और 2 साल बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पीपीपी से प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की बिसात पर शहबाज ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। शहबाज ने कहा है कि उनकी पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, यानी प्रधानमंत्री पद पर उनकी पार्टी का हक है। शहबाज ने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट सांसद खुद सरकार बना सकते हैं तो वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। नवाज शरीफ की पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री उनकी पार्टी यानी पीएमएनएल से कोई बने, जबकि दूसरी तरफ पीपीपी के आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री उनका बेटा बिलावल भुट्टो बने। और बस यही, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चुनावी पेच फंस गया है, क्योंकि अगर जल्दी पाकिस्तान में सेना के मतलब वाली सरकार नहीं बनी तो इसे इमरान खान की जीत माना जाएगा और इसे लेकर पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर बेहद तनाव में हैं। लेकिन एक खेल और है। सवाल है कि क्या शहबाज ने अपनी महत्वाकांक्षा यानी खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए यह डिमांड रखी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में कुर्सी का मजा चख चुके हैं और अब इस कुर्सी को वो फिर से हासिल करना चाहते हैं। क्या इसी दिली ख्वाहिश की वजह से शहबाज अब भाई नवाज शरीफ को धोखा देने के लिए तैयार है? क्या इसी मकसद से उन्होंने गठबंधन वाला धर्म निभाने से पहले ही तोड़ दिया है? अगर आजाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं, अगर वो मेजोरिटी दिखा देंगे हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज ने दबे लफ्जों में कह दिया है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही बनेगा। शहबाज ने बिलावल भुट्टो को यह भी बता दिया कि पाकिस्तान में उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। एक बार इसे इसी नजर से समझिए कि जिस तरह शहबाज ने जिस गठबंधन वाले जेट में बिलावल भुट्टो के साथ उड़ान भरी, जिस जहाज को पाकिस्तान की अगली सरकार कहा जाने लगा, उसी से शहबाज शरीफ पैराशूट बांधकर कूद चुके हैं और अब बिलावल भुट्टो अकेले ये जहाज नहीं उड़ा पाएंगे।
बल्कि क्रैश ही करेंगे। मैं आपको एक दिल की बात करूं, मुझे कोई टर्म चाहिए, मुझे पाकिस्तान की खुशहाली की टर्म चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो ऑलरेडी हम एंगेज्ड हैं अपने जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामान में जो वोट लेके आए हैं, फिर हम इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेंगे। इन सबके बीच इमरान खान के समर्थक बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इमरान खान को जबरदस्ती हराया गया, जबरदस्ती पाबंदी लगाई गई, जबरदस्ती इमरान खान को ठग लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के समर्थन वाले आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें लाए हैं। हालांकि वे अकेले सरकार नहीं बना सकते और अब यही मसला फंस गया है। इमरान खान की पार्टी चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान में चुनाव चोरी हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो इमरान खान हैं। उनकी पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सीटें लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत लूडो वाला खेल बन चुकी है, जिसमें पासा फेंक रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान की फौज चाहती है कि सरकार बने, जल्दी बने, लेकिन जनरल मुनीर जो भी पासा फेंकते हैं उसमें गठबंधन वाली सरकार के अलावा कोई नंबर नहीं आता। आर्मी के लिए जरूरी है कि गठबंधन भी बिलावल और नवाज की पार्टी के बीच होना, और इसमें इमरान खान तो किसी सीन में फिट ही नहीं होते हैं। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाला लूडो जनरल आसिम मुनीर के लिए दूसरी टेंशन बन चुका है। How do I see things shaping up? I don't see this coalition government lasting for a long time. And quite frankly, given the accusations that have been made regarding the election, the integrity of the elections, I don't think any government which comes will be able to withstand the demand for other elections, better managed elections, more honest elections in the near future. So I don't think more than 6 to 9 months. And they'll have to go in for new elections. पाकिस्तान में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब नारेबाजी हो रही है। बताने की कोशिश है कि नवाज और सेना ने मिलकर खान साहब को धोखा दे दिया है। इमरान के समर्थक सड़क पर हैं, उन्होंने टीवी पर देखा है कि इमरान के विरोधी ड्राइंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। इमरान खान को दबाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने हाथ मिला लिया है। हालांकि ये फाइनल नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पाकिस्तान में सेना का जोर चलता है और उसकी निगरानी में वोटिंग हो तो कौन यकीन करेगा। जाहिर है निष्पक्ष चुनाव ऐसे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को मिली कामयाबी ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर के खंभों को हिला कर रख दिया है। जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान की कामयाबी इस वक्त पच नहीं रही है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर डील करने का बहुत ज्यादा दबाव देखा जा सकता है। पार्टी की तरफ से एक और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।